अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। वहीं पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने काबुल में हवाई फायरिंग की है। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। पालघर के तारापुर में MIDC में स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री जखरिया लिमिटेड कंपनी में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 100 करोड़ के वसूली मामले में जांच करने वाली CBI के हफ्ते चढ़े उन्हीं के डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि तिवारी ने एक आईफोन 12 प्रो लेकर अनिल देशमुख की जांच रिपोर्ट को लीक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,624 नए मरीजों की पहचान हुई। 34,665 ठीक हुए और 355 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के वैश्विक मामले बढ़कर 21,97,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 45,05,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 5 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार की सुबह भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। दोनों ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मेडल जीते। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 4था मैच लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने दूसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल नाबाद पर हैं। भारतीय टीम अब भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे कई राज्य शामिल हैं, जहां पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार के कई भागों में आज भी पानी गिरने की आशंका है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 3रा दिन है जब ईंधन के भाव ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बता दें कि जुलाई माह में तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन और उसके साथ ही उत्पादक देशों में तेल की आपूर्ति बढ़ाने पूर्ण सहमति बनाने की घोषणा की गई थी।